फ्रेस गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस इवनिंग इस चैनल पर आपका स्वागत है जस्ट नीट का ये चैनल चैनल आपका अपना चैनल जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे बच्चे आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन जहां पर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन एनिमल किंगडम से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं गुड इवनिंग बेटा पूजा जैन शंभवी नारायण इरफान श्रद्धा यादव अनुपम घोष जल्दी जल्दी से आएंगे बच्चे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है वेलकम बहुत बहुत और आ जाइए जुड़ जाइए जल्दी से ठीक है ये बटवा अब मेरा जो है यूट्यूब का टाइम चेंज हो गया बच्चों मैं छः बजे से सात बजे ही शाम को आया करूँगा लाइव काइंडली नोट नोट कर लिया जाए कि छः बजे से सात बजे तक मैं रोज़ लाइव आया करूँगा इस चैनल पर इसके अलावा भी मैं अन चैनल पर जा रहा हूँ अकेडमी नीट पर वहां पर दो बजे से तीन बजे तक ऑल्टरनेट और संडे जाऊंगा ठीक है बच्चों चलिए तो सबसे पहले आपको बता दूं अपना इंट्रोडक्शन माय नेम इज डॉक्टर गगन गोरा पढ़ा रहा हूं 20 साल से बॉटनी जोआलॉजी दोनों अड़तीस के अड़तीस चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंगल डिजिट रैंक तक पहुंचाने में मदद की है अब कोशिश यही है कि आप लोगों का भी एसआई को तोड़ फोड़ रैंक आ जाए तो मज़ा आ जाए बेटा पूरा के पूरा अन अकेडमी का नाम हो आपका नाम हो हमारा नाम हो सबका नाम हो ये क्यूमुलेटिव एफर्ट से आएगा सबकी मेहनत करनी पड़ेगी सबको मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और हमें भी तो सब मिलजुल कर कोशिश करते हैं बेटा मैंने बार बार कहा है कि हम 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आ सकते हैं ऐसा कोई ड्रीम नहीं है बच्चे मेहनत करोगे तो थ्री आउट ऑफ थ्री भी आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं इट इज़ नॉट अ बिग डील ठीक है चलो चलिए बच्चे अनएकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो बच्चों ये लास्ट मौका चल रहा है कि वो प्राइस हाइक होने वाले हैं अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के एडवांटेजेस बता देता हूं जल्दी जल जल्दी यहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस बेटा आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बिल्कुल एकदम सामने आमने होता है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं अगर डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो वो भी बात कर सकते हैं लाइव मिलते हैं बच्चे वहां पर आपको प्लस पर लाइव पोल्स होते हैं लीडर है, है तो, है, 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 तो बच्चों जो है, वो हर के बाद मिलते हैं प्लस पर इसके अलावा क्या मिलता है टेस्ट सीरीज और एनालिसिस ठीक है तो ये सारे एडवांटेजेस एक सब्सक्रिप्शन लेके आप इंडिया के तमाम एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ चलिए बेटा तो आप जो है तो हमको करना क्या है इसके लिए इसके लिए करना है कि आपको अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है पहले तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद अपनी एक आईडी क्रिएट करेंगे आईडी जब क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आएंगी बच्चे तो उन कैटेगरीज में से आप नीट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप मेडिकल एस्परेंड है नीट कैटेगरी को ही सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको यहां पर ऐसे एक बॉक्स दिखेगा जहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यू कैन अवेल द सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बच्चे कैसे हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट की दो सब्सक्रिप्शन ये फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस इज माई रेफरल कोड आप इसे यूज कर सकते हैं जी ए जी ए एन इसे याद रखेंगे बेटा ये आपको दस परसेंट डिस्काउंट दिलवाएगा दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यह है कि सही डायरेक्शन में पढ़ने के लिए आपको मदद करेगा प्लस पे आपको एक एन्वायरमेंट मिलता है लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं चलो बच्चों ये टेलीग्राम आईडी है इसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम आईडी को यहाँ पर आपको तमाम इवेंट्स जो भी आने वाली चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाती है चलिए बेटा माइटोसिस के नोट्स अपलोड कर चुका हूँ डॉक्टर प्रिंस चुरसिया आप जाके जस्ट नीट चैनल पे देखो मिल जाएंगे कोई इशू नहीं है चलिए नीट uh, एस्परेंट बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिस्मिल्ला कर रहे हैं फटाफट फड़ से स्क्रीन पर जुड़ जाएं और देखते जाएं मैं क्या पूछ रहा हूँ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया के बहुत सारे ओके okay, बेटा सौरभ सिंह वही कर रहा हूं चलो ठीक है फटाफट फड़ देखेंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर किंगडम एनीमेलिया इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट पहला है मल्टीपल मल्टी सेलर स्ट्रक्चर सिस्टम हैबिटेट ओनली लोकोमोशन विदाउट एक्सेप्शन चलिए जी फटाफट आंसर करेंगे अनुपम घोष सी आंसर दे रहे हैं इरफान सी आंसर दे रहे हैं खुशबू कुमारी सी आंसर दे रहे हैं मिताली राज संध्या देवी सी सब लोग सी ही आंसर दे रहे हैं अरे बच्चे जब सब लोग सी ही आंसर दे रहे हैं तो कैसे आंसर सी हो सकता है टू स्टेटमेंट कौन से सही है बेटा मल्टी सैलर स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन सेंसरी और न्यूरो न्यूरो मोटर सिस्टम सबके लिए सही थोड़ा बेटा सबके लिए सही थोड़ा है हैबिटेट ओनली बिल्कुल सही नहीं है लोकोमोशन विदाउट एक्सेप्शन भी सही नहीं है कौन सा आपको लग रहा है कि सी आंसर है जल्दी बताइए जरा मुझे कौन सा स्टेटमेंट और सही लग रहा है सेंसरी एंड न्यूरो मोटर सिस्टम बेटा पॉलीफेरा पढ़ोगे तो सिस्टम कहाँ से आ गया न्यूरोमोटर सिस्टम का आंसर है परिफेरा में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सारे एनिमल किंगडम को आप इंक्लूड करोगे ना नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा पहला क्वेश्चन गलत बिस्मिल्ला गलत हो गया सेकंड कैसे सही है सेकंड कैसे सही है सेंसरी वाला कैसे सही है फोर्थ क्यों नहीं है लोकोमोशन विदाउट एक्सेप्शन लोकोमोशन विदाउट एक्सेप्शन कैसे हो सकता है बेटा परिफेरा ससाइल होते हैं मोस्टली परिफेरा ससाइल होते हैं जलास्तिक बच्चों चलिए चलिए कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेनी है सीखते जा रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है पहला पहला क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है वो चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो बच्चों द एंट्री ऑफ द फूड एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेपरेट ओपनिंग्स इन अब पढ़ेंगे आराम से ऑर्गेनिज्म हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सीलेंट्रेट्स टीनोफोर प्लाटी हेलमेंट्स

सेवन थर्टी पर मोलिकुलर जेनेटिक्स के लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सेवन थर्टी पे बेटा स्पेशल क्लास जो मोलिकुलर जेनेटिक्स की थी कल एक क्लास हो चुकी है सेकेंड क्लास सेवन थर्टी पे होगी चलिए जी चलिए जी वेरी गुड वेरी गुड ऑर्गेनिज्म हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान होता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान तो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं माउथ और एनस दोनों की यस बेटा करेक्ट एकदम सही जवाब आकाश डॉक्टर मिताली राज आलोक कुमार जो भी आंसर दे रहे हैं श्रद्धा यादव नीट एक्सपेरेंट बिल्कुल सही करेक्ट जवाब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आराम से पढ़ो टेक योर ओन टाइम थोड़ा लंबा क्वेश्चन माइटोसिस के कर दिए बच्चे डॉक्टर बिन्सी चुरसिया मैंने बोल तो दिया माइटोसिस के नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं जस्ट नीट के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वहां पर पड़े हुए देखो अच्छा ठीक है अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं भी दोबारा लेक्चर के बाद अपलोड कर देता हूं टेंशन थर्टी क्वेश्चन होंगे बेटा स्टेटमेंट बढ़ेंगे इसमें स्टेटमेंट बढ़ेंगे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट चलिए बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग डी आंसर दे रहे हैं फ्रोजन फ्रोस्टी डी आंसर दे रहे हैं डी फॉर श्योर फिर जब डी फॉर श्योर है तो इमोजी क्यों बना रहे बेटा इंतखाब आलम अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया देखो बेटा डी ही आंसर है वाह डी ही आंसर है कैसे अब आपको मैं बताता हूं देखो बेटा आपको पूछा है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप ये देखिए कि सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग सेल्स ऑफ में तो बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है करेक्ट ऑफ लेबर इज कंप्लीटली एबसेंट इन दी सेल्स ऑफ पॉरीफेरा फॉरफे गलत हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ट्यूनिकेट्स आर्थ्रोपोड एंड नॉन ये भी सही है ये भी सही है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल अकर एट द लेवल ऑफ ब्लड कैपिलरी ये भी सही है तो तीन स्टेटमेंट सही हो गया ना गलत कौन सा हो गया गलत हो गया सेकंड जहां पर लिखा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी ठीक है करेक्ट बेटा वेरी गुड क्वेश्चन गिनते जाना लास्ट right. में पूछूंगा कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं चलिए जी राइट अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आइए जी क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जरा ध्यान से पढ़ के आंसर करेंगे करेक्ट पूछा है चार स्टेटमेंट आपके सामने हैं उनमें से आपके से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है हाउ मेनी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन कौन सी है यह भी बताएंगे चलिए

यहां पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है दो स्टेटमेंट करेक्ट है देखो एक तो लिखा है यहां पर एनिमल्स लाइक एंड एसकेमिकॉडेट एंडेट बायोलेट्रल सिमेट्री चलो प्लेटी हेलमेंट द फर्स्ट फॉलेम ड्यूरिंग एवोल्यूशन टू हैव हैल सिमेट्री ये गलत हो गया और ये गलत हो गया ये दोनों सही है ठीक है चलिए चलिए आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों यहां देखो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है सारे एनिमल्स में बायोलेट्रल सिमेट्री नहीं होती और इकॉनोडर में रेडियल सिमिट्री होती है और जो लार्वा होती है लार्वा होता है उसमें बायोलेट्रल सिमेट्री होती है चलिए यस yes बेटा इकॉनोडर बेटा के लार्वे में बायोलेट्रल सिमेट्री अडल्ट में रेडियल सिमेट्री थर्ड क्यों रॉन्ग है थर्ड बेटा इसलिए रॉन्ग है मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स हैव बायोलेट्रल सिमिट्री ऐसा कैसे कह सकते हैं रेडियल भी तो होती है इकॉनोडर में रेडियल है टीनोफोरा में बायरेडियल है निडेरिया में रेडियल है पॉलिफेरा एमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल है तो मोस्ट कैसे हो सकता है नहीं मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट सारे वो गलत है बायोलेट्रल सिमेट्री सब में नहीं है दोनों मिक्स हो सकती है इसीलिए गायडोमेटा भी बहुत बड़ा है ना पॉरीफेरा निडेरिया टीनोफोरा ठीक है इसीलिए चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे ऑल नहीं बच्चे मोस्ट मोस्ट में नहीं कह सकते ना सिक्सटी फोर्टी है सेवेंटी थर्टी है मोस्ट का मतलब नाइनटी होना चाहिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल अपने आप पढ़ें अपने आप पढ़ेंगे अपने आप पढ़ेंगे अपने आप पढ़ेंगे स्वयं पढ़ेंगे स्पॉजिज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल इनकरेक्ट ढूंढना बच्चों आपको थैंक यू जी मयंक शर्मा जी जल्दी बताएंगे फिफ्थ का आंसर करेंगे फिफ्थ 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 यस बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डी आंसर है फिर से इनकरेक्ट पूछा है स्पॉन्जिज आर मोस्टली सिमेट्रिकल ये तो राइट right है ए सिमेट्रिकल राइट है बायोलेट्रल सिमेट्री आर फाउंड इन क्रैब एंड स्पाइडर क्रैब जो है बेटा दोनों आर्थ्रोपोडा में स्पाइडर और ये सब सही है वैन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एक्स बॉडी डिवाइड्स यूनिज इन टू टू आइडेंटिकल हाफ इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री इट इज कॉल्ड टेडियल नहीं रेडियल सिमेट्री तो ये भी राइट है द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट इज सारे के सारे वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेड्स में बायोलिट्रल सिमेट्री होती है तो गलत हो गया ना तो डी आंसर हो गया बहुत बढ़िया फैंटास्टिक देखो आई होप आपका अब एनिमल किंगडम स्ट्रांग हो चुका है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं थ्योरी भी मैंने आपको बहुत दस क्लासेस लगा के बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई है चलिए सी क्यों रह होंगे बेटा अच्छा वो टेरेडियल लिखा हुआ है इसीलिए <laughs> वैसे मत सोचो चले जी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स बाल की खाल मत निकालो उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं चलिए सिक्स क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स एम्ब्रियनिक मीजोडम राइज टू अ कैविटी कॉल्ड सिलोम डाइजेस्टिव कैविटीज फाउंड इन एसिलोमेट सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स ये दिया हुआ है द बॉडी कैविटी ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड नॉन इज कॉल्ड आर्थरो राउंड ट्रू बॉडी कैविटी देर इज नो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट इन कार्नोडम्स कितने इनमें से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे चलिए बताएंगे 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 मोहम्मद आरिफ बॉटनी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट यार बॉटनी तो बहुत आसान होती है क्यों लग रहा है आपको मैं तो अभी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ बॉटनी तो प्लस पे अच्छा फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन अगर है तो आप उस पर ज्वाइन करो बेटा सारी बॉटनी पढ़ा रहा हूँ प्लस पे मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जिसमें से तो दो चैप्टर करा चुका हूं अब तीसरा शुरू करूंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चलिए 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 बेटा फटाफट सिक्स का आंसर हो गया बी कैसे वन टू थ्री ये तीनों के तीनों सही हैं पहले देखो राउंड वर्म बॉडी कैविटी ये तो झूठ झाट लग रहा है यहां पर सूडोसिलोम होता है चलो जी ये तो गलत हो गया देर इज नो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल ऑफ द गट एंड ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें एनटेरोसिल होता है एनटेरोसिलोम होता है ठीक है बेटा तो अब आप ये देखो जो ऊपर वाली तीन स्टेटमेंट आपको दिख रही हैं वो बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है नॉन सिफेलोपोर्ट में हीमोसील होती है बिल्कुल सही बात है ये जो आप जानते हैं कि मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट सिफेलोपोर्डा आज रीट नीट का रिजल्ट अभी नहीं आया बेटा तीस क्वेश्चन है बच्चों ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन गिनते रहना कितने सही हुए लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे जलास्तिक बच्चों अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन एक्टोडर्म गिव्स राइज टू नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड इज फॉर्म ऑन द वेंट्रल साइड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एनिमल्स ऑफ फ्रॉम पॉलिफेरा टू आर विदाउट नोटोकॉर्ड इन सम नोटोकॉर्ड इन सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस एंड वीज कॉर्डेट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स चलिए हां जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कोई पाप है कर सकते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उससे भी तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है अनुपम घोष ने डी आंसर दिया है बाकी बच्चे आंसर देंगे इज देयर एनी नीड टू रीड मॉड्यूल फ्रॉम यस बेटा कोई भी पढ़ लो बच्चे देखो समर्थ यू कैन रीड एनी मॉड्यूल एनी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल यू कैन रीड फ्रॉम एनी वेयर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एनसीआरडी लेकिन कवर जरूर करनी है किसी भी मॉड्यूल को पढ़ो हार्डली मैटर्स उसके बाद एनसीआरडी जरूर पढ़ो ठीक है, ऑल मटेरियल्स आर गुड कुछ भी खराब नहीं है इस दुनिया में जिसने लिखा है उसने सोच के लिखा है ना कुछ गलत थोड़ा लिखा होगा चलिए रिसर्च करके लिखते हैं लोग डी आंसर है बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट कैसे एक्टोडर्म से नहीं आती notocod. Notocod कहां से आती है Mesoderm से। एक बात, is formed on the dorsal side होता है, यहां लिखा है एनिमल्स यह भी गलत है ठीक है नॉन में नोटो कॉर्ड नोटोकॉड होती है तो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है तो बच्चों मेरे उत्तर इसका जो हो गया सारे अदालतों को सारे गवाओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत किस फैसले में पहुंची किस फोर्थ आंसर रहेगा यस yes, मेरे बच्चों वेरी गुड अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आठ चलिए जी असरशन रीजन एम्फीबिया भी मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से चलिए बताएंगे ओके नीट एस्पिरेंट बच्चे यस yes, बेटा इरफान जल्दी बताएंगे जल्दी क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर करेंगे एट 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 अष्टम प्रश्न का उत्तर देंगे अष्टम प्रश्न आपके संगणक पर आपके सामने प्रस्तुत है आठवें का बहुत सारे लोग ये आंसर दे रहे हैं yes, यस बच्चों द करेक्ट आंसर इज ए एम्फीबियंस हाइबरनेट करते हैं विंटर में और एस्टिवेट करते हैं समर में पोइकिलोथर्मिक होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते इसलिए यही करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपको चार नंबर मिल गए बहुत अच्छे बेटा कॉन्ग्रेचुलेन्स बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे ठीक है सबके 360 में से 360 नंबर आएंगे ऐसी मेरी इच्छा और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आएंगे या नहीं आएंगे वो आपकी मेहनत चले जी क्वेश्चन नंबर नाइन 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 चलिए जी बेटा नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे चलिए जी म्यूजिक कलेक्शन धन्यवाद आप लोगों का प्यार है बेटा आपने अपना नाम म्यूजिक कलेक्शन क्यों रख लिया लेकिन ये बताओ क्वेश्चन कलेक्शन रखना चाहिए था ठीक <laughs> है चलो जी फटाफट बताएंगे नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा नाइन्थ नाइन्थन एक नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे जब हम नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है बी आप लोग सी सी लगा रहे हो इरफान बेटा कैसे आंसर आ गया जरा देखते हैं यहां पर देखो बच्चों यहां पर पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपने वन टू फोर फाइव लगाया अब आपने इसमें मतलब मैंने वन टू फोर फाइव लगाया इसमें मैंने थर्ड गलत कर दिया आप पढ़ते नहीं हो देखो ध्यान से पढ़ो बेटा थर्ड को यहां लिखा है मेड्यूसा प्रोड्यूस साम एंड ओवम फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द क्वेश्चन सेक्सुअल को मैंने कर दिया ए सेक्सुअल तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल महागलती हो गई महागलती जिसको कहते ना महागलती बाकी सारे स्टेटमेंट सही है देखो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है ठीक है लर्न एंड वेट आपकी बात सुनते हुए मैंने बिल्कुल क्लास फिक्स कर दिया है अब क्लास जो है बिल्कुल फेविकोल के जोड़ की तरह से छह से सात बजे ही, ही होगी ये टाइमिंग फिक्स हो गया स बेटा ओके राइट बच्चों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन द बिलो कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो आर एसोसिएटेड विद द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन सॉरी एपिडर्मल स्केल्स एंड स्कूट्स दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग हैबिट एंड थ्री चेंबर्ड हार्ट जल्दी बताएंगे टेंथ का आंसर मेरे मुंह से निकल गया अभी <laughs> यस मेरे पुत्र और पुत्रियों बिल्कुल सही जवाब ए आंसर है रेप्टाइल बहुत बढ़िया आंसर मेरे मुंह से निकल गया था वो आपने सुन लिया वैसे भी आसान है यार ये तो इजी पीजी है इतना एनिमल किंगडम पढ़ लिया आप तो आपके ब्लड में एनिमल का लेवल हाई हो गया होगा हाइपर एनिमेलिनिमिया हो गया होगा <laughs> इसी वजह से अब क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा आपका वेरी गुड बेटा ग्रेट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन टेप वर्म्स में चलिए 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 टेप वर्म्स टेप वर्म इंची टेप वाले वर्म्स में क्या होता है बताएंगे बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आर प्रेजेंट हुक्स एंड सकरस आर एब्सेंट फ्लेम सेल्स आर मेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन ऑल दी अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू इनमें से बताएंगे उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति विहीन है? कौन सी है इसमें क्या जो है गलती नहीं है बिल्कुल सारे सही होने चाहिए बताएंगे फटाफट अनुपम घोष सी लगा रहे हैं आलोक कुमार डी लगा रहे हैं अच्छा सर एनिमल किंगडम पूरा हो गया यस बेटा आमिर हो गया बच्चे चलिए देखिए एनिमल किंगडम के बाद माइटोसिस भी हो गया प्यारे बच्चे एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन प्रेजेंट गलत है क्योंकि इनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है हाइड्रोस्केलेटन होता है एक्सो और एंडोस्केलेटन का कोई मतलब नहीं है इसका भी कोई मतलब नहीं है ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे हुक्स एंड सकर्स एब्सेंट ठीक है तो इसीलिए आपको यहां पर फ्लेम्स आर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन लर्न एन्यूलेट क्या कह रहे हैं हाँ बेटा मैं ना आपके घर में आऊँगा चाय वाय बना के रखना चाय कॉफी पकोड़े ठीक है आपको टेबल पर के पढ़ाऊंगा टेंशन मत करो ठीक है अभी अगली बार यही करना पड़ेगा मेरा बच्चा एकदम जो होता है ना गर्मा गर्म पकौड़े पनीर के बना के रखना मम्मी को कहना पनीर के पकौड़े बना के रखेंगे मैं आऊंगा तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ हुक्स एंड सकर एक बार बताओ प्लेनेरिया में कैसे हो सकते हैं प्लेनेरिया ड्यूजेसिया फ्री लिविंग प्लेटियाल में कैसे हो सकते हैं पता है बच्चे आजकल क्या चाहते हैं सर पढ़ा भी दो सर याद भी करा दो सर मेरे दिमाग में घुस जाओ सर आप एग्जाम भी आप ही दे आओ बात ही ख़त्म टेंशन ही ख़त्म है पढ़ा भी आप दो एग्ज़ाम भी आप दे याद सर पढ़ाना आप ही को है? ना बिल्कुल आप ही को पढ़ाना और किसी को नहीं पढ़ाना आपके अलावा किसी ने पढ़ा दिया ना सर फिर देखेगा सर याद भी आप ही को कराना है नहीं नहीं आपकी ड्यूटी है ये आपका कर्तव्य है सर याद कैसे नहीं हुआ तो आपकी गलती है फिर अब आप क्या है ना मार्क्स नहीं आ रहे सर क्यों नहीं आ रहे मार्क्स बताओ सर क्यों नहीं आ रहे अरे भाई ठीक है चलो सब कुछ भाई करूंगा एग्जाम भी मैं दूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चलो बताएंगे बड़ा फट बारहवें का आंसर ट्वेल्थ का आंसर करेंगे यस बच्चे यस 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 टेप वॉर्म नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम प्यारे बच्चे फिर देखो ओनली में जहां पर लगा है ओनली आप फील करेंगे लोनली क्योंकि ओनली लगा के आप आंसर गलत कर देते हैं यहां पर सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ माउथ एंड एनस दोनों होना चाहिए ना माउथ प्लस एनस होना चाहिए आ रही है मेरी बात समझ में ठीक है लर्न तो चाहता है है बेटा सही बात ठीक है।, है चलो बेटा ठीक है क्लियर हो गया यह बात समझ में आई ओनली लिखा है मैंने बोला ना ओनली नहीं लगाना है ओनली हटाएंगे तभी आंसर आएगा चलिए राइट बेटा हम बोल रहे हैं कितने लेक्चर हैं एनिमल किंगडम के, के दस सरकार दस लेक्चर हैं दस कितने आदमी थे यानी कि दस लेक्चर थे आप देख लो यूट्यूब पे पब्लिश है चले जी ठीक है अब बताएंगे हाउ मेनी स्टेटमेंट आप बातें ही ऐसे करते हो तो मुझे कॉमेडी सूझ जाती है कैसी कैसी बातें करते हो ठीक है जल्दी बताओ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं थर्टींथ वाले नहीं बेटा, बेटा पीजी वालों को नहीं पढ़ाता हूं सिर्फ उनको पढ़ाता हूँ जो अपने घर में रहते हैं पेइंग गेस्ट को नहीं पढ़ाता पीजी वालों को नहीं पढ़ाता अरे मजाक कर रहा हूँ पीजी वालों को कैसे पढ़ाऊंगा यार इनको पढ़ा लूँ यही बहुत है उतना ज्ञान नहीं है मुझे नीट वाला ज्ञान पूरा है सौ परसेंट बाकी आगे नहीं पता याद है चलिए जी फटाफट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट उतना मेरे को नहीं आता जित पी जी वालों को पढ़ाऊंगा सही बात है बच्चे थर्टींथ का आंसर भी आ जाएगा भी आ जाएगा बी आ जाएगा बी आ जाएगा, सब लोग बी लगा रहे हैं। yes, बेटा, very good. भी, भी, भी। बहुत बढ़िया आंसर लगा दिया, जलास्टिक बच्चों मेरे, देखो, इधर देखो, इधर कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। राउंड इनकम्लीट एलिमेंट्री के तो गलत हो गया राउंड वर्म लैक एक्सपोर यह भी गलत हो गया बेटा डाइशियस लिखकर हर्माफ्रोडाइट लिख दिया है। देखो जरा ध्यान से क्षुए खोल के अपने आंखें खोल के देखो बच्चे आंखें खोल के देखो प्लीज ओपन योर आईज बच्चों मेरे नींद से जागो आंसर देखो समझ गए क्या गलती करी है हाँ जी नहीं झल्ली लड़की बेटा मेरे श्रद्धा मेरे डॉक्टर बच्चे श्रद्धा डायशियस लिखा बच्चे डायशियस यूनिसेक्सुअल होना चाहिए ना राउंड वॉम मोनोशियस कब से हो गए डायशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होना चाहिए ना देखो 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 देखो, देखो देख प्लान किंगडम स्टार्ट कर दूंगा बेटा पहले इसको खत्म कर लें फिर करते हैं कुछ ना कुछ चिंता मत करिए जुड़े रहिए स्टे ट्यून्ड हाँ जी वही तो कह रहा हूं डॉक्टर प्रिंसी चौरसिया इसलिए तो गलत हो गया आंसर आई होप मेरी बात समझ में आ गए होंगे हाँ जी ठीक है जी पसंद आया क्वेश्चन हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन तो मैं अच्छे ही बताता हूँ आपको बस सुनते करो जो मैं कहता हूँ कभी कभी जरूरत से ज्यादा ट्रिक करने से ना मेरे से भी गलत हो जाता है जैसे ईसोफेगस वाला आज गलत हो गया था मेरे से तो मैं बनाते बनाते खुद ही गलती कर गया क्या होता है ना कभी कभी जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करो तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है आज मैंने एक ईसो वाला क्वेश्चन था पहला बेस में लाई गड़बड़ हो गया फिर मैंने वहां लिख दिया कि वो लॉन्ग ट्यूब होनी चाहिए शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कभी कभी हो जाता है चलिए ज्यादा दिमाग लगाने से भी होता है ठीक है चलिए जी चलिए चलिए जी वट इज कॉमन इन प्रॉन स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई एंड सिल्वर फिश छह से सात क्या पढ़ाऊंगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ये जल्दी रिलीज होगा मैं सोच रहा हूं बच्चा देखो आपका वहां पर तो मैं पढ़ा रहा हूं आपका मॉलिकुलर जेनेटिक्स यहां पर एवोल्यूशन शुरू करूंगा लेकिन कुछ दिन रुक जाओ पहले एक बार टाइम बिल्कुल सेट हो जाना तो फिर पढ़ाना शुरू करूंगा चलिए चलिए ठीक है ओके धन्यवाद लर्न नैन्यू वेल अब आप अगर पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे वट इज कॉमन इन प्रॉन्स स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई एंड सिल्वर फिश इनमें से क्या कॉमन है बच्चों मेरे इनमें कॉमन क्या क्या है प्रॉन्स स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई सिल्वर फिश सारे तो आर्थरो बड़ा दिख रहे हैं yes, येस बच्चों मेरे वेरी गुड तो आंसर क्या हो गया काइटिनस एक्सो स्केलेटन एंड जॉइंटेड अपजेस ट्रेकिया तो नहीं ले सकते ना सिफेलोथरेक्स भी नहीं ले सकते ट्रेकिया क्यों नहीं ले सकते आप देखो बहुत सारे इसमें प्रॉन जो है वो क्रस्टेश में ट्रेक होता ही नहीं है थ्री पेयर ऑफ लेग्स नहीं ले सकते सिर्फ इंसेक्ट में लेते हैं टू पेयर ऑफ एंटीने और कार्टि क्यूटिकल भी नहीं ले सकते सब में नहीं होता क्यूटिकल सब में होता टू पेयर ऑफ एंटीने नहीं होता तो इसलिए बी आंसर हो गया वेरी गुड बच्चों सीख गए आप अब देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह यहां पर आप देखो मध्यांतर हो जाएगा इंटरवल जल्दी बताएंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मैलपीजिन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज येलो टरी गैसिज एक्सचेंज अकर थ्रू द ट्रेक किया पर्ल इज फॉर्म बाइपिंग हॉर् शू क्रैब इज लिमिलस चलिए बताएंगे आप लोगों ने वहां क्विजन अटेंड कर दिया अनडमी नीट पर करी या नहीं करी क्वेश्चन अच्छे लगे चलिए चलिए आंसर करते जाएंगे आंसर करते जाएंगे 15 का आंसर सी लगा रहे हैं 15 का आंसर ए लगा रहे हैं बहुत सारे लोग ए लगा रहे हैं बहुत सारे लोग सी लगा रहे हैं चलिए जी बच्चों मेरे प्यारे यहां देखो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है ब्लड ऑफ इज 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 नॉट येलो इट इट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंट है बाकी सारे के सारे सही हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो फिफ्टीन का आंसर ए हो गया वेरी गुड बच्चों ग्रेट 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 शाबाश क्विज नहीं मतलब जो डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चले जी पढ़िए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर करेंगे बेटा डिस्कशन था बेटा क्विज नहीं था ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे अच्छा ठीक है अनुपम बेटा पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो देखो देखो देखो, देखो बेटा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज सेकेंड लार्जेस्ट इज मलस्का मुलास्का ट्रिपलो प्लास्टिक एंड ए सीलोमेट लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मलस्क इज यूजली कवर्ड बाई कैलकेरियस आर सिमिलर टू आर्थ्रोबोड हैविंग सेगमेंटेड बॉडी एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स चले जी पढ़ के जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर लगाएंगे इजी ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा बच्चे इसमें दो गलत है सेकेंड क्योंकि यहां पर दो में आपके पास ए सिलोमेट लिखा हुआ विच इज रॉन्ग ठीक है और उसके बाद दो के बाद चार चार में यहां लिखा हुआ सेगमेंटेड बॉडी मुलस्का में अनसेगमेंटेड होती है ओनली सेगमेंटेड इज नियो पे लेना हमने पढ़ा था सेशनस में भी पढ़ा है इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया बिल्कुल सही बेटा राइट बच्चे राइट 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 राइट, 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 राइट वेरी गुड वेरी गुड चलिए जी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन पढ़ेंगे रीड सेवेंटीन क्वेश्चन नियो पिलना होता बेटा मैंने बताया था एनिडा और मलस्का के बीच में लिंक होता है स्पाइडर एंड मस्किटो प्रजस्ट कंपाउंड आई इंक्रीज क्रॉप यील्ड ऑल हैविंग ट्रू सिलोम कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ बायोलेट्रल सिट्री ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंस ऑफ मीजोडम एंड ट्रू सेगमेंटेशन फिफ्थ चॉइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलोनियल प्रोटोजोन्स चलिए जी उत्तर प्रकट करेंगे गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आरिफा बोल रहे हैं फर्स्ट आंसर है बाकी लोग भी सोच लो पहले फिर मैं आंसर रिवील करता हूँ आपको मोहम्मद आरिफ भी ए बोल रहे हैं फ्रोजन फ्रोस्टी भी ए बोल रहे हैं मोहम्मद सुहेल भी ए बोल रहे हैं श्रद्धा यादव भी ए बोल रहे हैं जब इतने सारे बच्चे मिलकर एक आंसर बोल रहे हैं तो बच्चों की आवाज़ में भगवान की आवाज़ बिल्कुल सही बात इसमें गलत क्या बच्चे इनकरेक्ट कौन कौन सा है थर्ड इन करेक्ट है एफिड क्रॉप यील्ड कैसे इंक्रीज करेगी कोई लॉजिक नहीं है ठीक है फोर्थ में क्या है ऑल द एनिमल्स है एनिमल्स हैव हैव ट्रू ट्रू सिलोम सिलोम ऑल द ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है सब में बायोलेट्रल सिमेट्री हो जाए ट्यूब इथन ट्यूब प्लान हो जाए प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म ट्रू सेगमेंटेशन सारे एनिमल्स में तो नहीं हो सकता तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है तो बाकी ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर राइट चलो बच्चों अच्छा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है ठीक है बच्चे कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देख लेना आपने पहले लिख दिया चलिए गुड बेटा मेरे प्यारे बच्चों अठारहवें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन पे आते हैं चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है हाउस फ्लाई मस्कीटोज एंड बीस शो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मैंने सेशन में पढ़ाया बेटा आपको सी लिली सी कोकम्बर एंड स्टार फिश बिलोंग टू सेम फाइलम नीरिस क्लाइटलम ये भी पढ़ाया मैंने आपको इन ियंस डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट क्या है इन करेक्ट इन करेक्ट होना चले 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सोच के आंसर देंगे थिंक 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 बिफोर आंसरिंग ऐसे नहीं आंसर करेंगे जल्दबाजी में नहीं एटींथ का बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग बी भी आंसर दे रहे हैं हम्म तो मेरे प्यारे बच्चों नीर जो होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है अगर आपको मालूम हो तो नीर यूनिसेक्सुअल होती है तो क्लाइटेलम का तो कोई लेना देना नहीं है ना क्लाइटेलम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है क्लाइटेलम तो होता ही नहीं है क्लाइटेलम जो होता है वो अर्थवॉर्म में होता है हमने पढ़ा था और टेम्प्रेरी क्लाइटेलम किस में होता है हेरूदन एरिया में होता है तो क्लाइटेलम का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर देर इज नो क्लाइटेलम नो नीड ऑफ क्लाइटेलम बिकॉज इट इज़ यूनिसेक्सुअल और नीदिस के लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था चलिए बच्चों राइट बेटा इनकरेक्टली तो है ना वही तो बोल रहा हूं ठीक है अगला क्वेश्चन नाइनटीन्थ नाइनटीन्थ पढ़ेंगे आराम से जल्दी से

देखो यहां पर यहां पर क्या पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो इसका मतलब इसमें एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है पांचवी तो आप देखो फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है एनलेट आर सूडो ये तो ऑब्जेक्शनेबल है ना एनलेट तो सिलोमेट होते हैं फ्लैटेल मिन आर ए सिलोमेट ये सही है आधा सही आधा गलत तो ये गलत हो गया ये सही है ये सही है ये सही है ये सही है, है, है बताइए आपको इसमें किसमें ऑब्जेक्शन है किसमें ऑब्जेक्शन है कोई दिक्कत ओनली लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग बेटा ध्यान से सुनो कोई कोई आंसर जो ए लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे या जो भी सी लगा रहे थे आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो इज देर एनी प्रॉब्लम देखो ना एनलेट सूडोसिलोमेट थोड़ा होता है बेटा ट्रू सिलोम होती है ना सूडोसिलोमेट कौन होते हैं एस्केल एलमेंट होते हैं वहां पर लिखा है एनलिट्स आर सूडोसिलोमेट ये तो गलत बात है ना चलिए चलो बच्चों आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं यस है। yes, बेटा वेरी गुड हाँ जी फिर सही हो जाता अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जल्दी से पढ़ेंगे और जवाब देंगे एसेंट ऑफ सैप एंड वाटर ट्रांसपोर्ट आर इक्वल बातें हैं क्या बच्चे एसेंट ऑफ सैप हाँ ये कह सकते हो सैप में थोड़े बहुत सोल्यूट भी होते हैं ऊपर चढ़ जाता है उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं वाटर में जो डिजॉल्व क्या बोलते हैं सोल्यूट्स होते हैं उसके साथ हो गया वो सैप है ठीक है पानी में आपने कुछ कुछ चीजें डिजोल्व करी है चलिए बताएंगे बीस नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस ट्वेंटी ट्वेंटी का आंसर वन लगा रहे हैं बी लगा रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा बी लगा रहे हैं श्रीपद बी आंसर दे रहे हैं आलोक कुमार बी मोहम्मद इंतखा बी आरिफा भी बी कह रहे हैं सब लोग बी कह रहे हैं तो भाई ठीक है आंसर सी है बी कैसे आ गया देखो बच्चों ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल आर नॉट वटिबरेट ये तो सही है इसमें क्या दिक्कत है दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट दिस इज राइट ठीक है वटिबरेट्स लैक नोटो कॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बट पजर्स इन स्टेज दिस इज ऑल्सो राइट वटिबरेट्स हैव हार्ट विद टू थ्री और फोर चैम्बर ये भी राइट right. क्या गलत है बच्चे इसमें वट इज रॉन्ग वट इज रॉन्ग जल्दी बताएंगे इनमें से कौन सा रॉन्ग है सेकेंड इज रॉन्ग वटिबरेट लैक नोटोकॉर्ड इन दमरियोनिक अरे बच्चे ओ शिट सही कह रहे हो बच्चों आप सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही कह रहे हो मेरा ही क्वेश्चन गलत है हैव है्ड होना चाहिए इन दिख स्टेज बट पजेस उल्टा लिखा हुआ है दिस इज रिवर्स दिस इज रिवर्स हाँ जी दिस इज रिवर्स 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 ये रॉन्ग है बच्चों यहां होना चाहिए हैव इन है एमरियनिक स्टेज बट मे पोजेस और मे लैक इन द अडल्ट स्टेज दोनों हो सकते हैं तो इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बिल्कुल सही जवाब बच्चों ये सही और ये सही तो कंध करेक्ट आंसर टू हो जाएगा यस बेटा टू, टू आंसर हो जाएगा टू आंसर हो जाएगा सही बात है आज एरर डे हो रहा है आंसर टू हो जाएगा क्लियर हो गया बच्चों ये समझ में आ गया ठीक है आपका आंसर सही है बेटा आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए चलिए <laughs> राइट बेटा ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्वेश्चन का आंसर देंगे खुश मत हो जल्दी से अच्छा ही है बच्चे अगर आपके क्वेश्चन मुझसे भी ज्यादा ठीक होंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना इसमें क्या दिक्कत है सिखाया तो ही है। अगर कोई भी शिष्य अगर किसी अध्यापक या गुरु से आगे चला जाए तो वो बड़ी खुशी की बात होती है चले जी

जल्दी बोलेंगे इनकरेक्ट 21 में सब लोग आंसर बी दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर बेटा बी नहीं है इनकरेक्ट में यहां देखो यहां देखो साइक्लोस्टॉर्म्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विद जॉज लिखा बेटा विद जॉज ये तो रहोगे है ना हेक फिश में कैसे आ जाएगी हेक तो साइक्लोस्टॉर्म में आता है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ठीक है बात समझ आई मैंने क्या कहा मेरी बात समझ में आ रही है थर्ड और फिफ्थ क्यों रॉन्ग हो गया थर्ड में देखो बेटा जॉस के साथ लिखा हुआ जॉस लिखा है ना जॉलेस होती है ठीक है हाँ है नहीं ना ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे ठीक है चलिए बेटा वेरी गुड वेरी गुड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्ट्रीकाइ्स चले चले बताएंगे चलिए बताएंगे कोई बात नहीं ठीक है मेरे को लास्ट में बताना ठीक है चले 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 चलिए फटाफट फड़ बताएंगे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट दी कॉन्ट्रिकाइस इनमें से कॉन्ट्रिकाइस के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, चली बताएंगे। केंड का आंसर देंगे बच्चे ट्वेंटी सेकंड ट्वेंटी सेकंड चल रहा है बच्चे ट्वेंटी थ्री नहीं चल रहा है इन करेक्ट लिखा है बच्चों तो इन करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गया फॉरवर्डली डायरेक्टेड नहीं होते सेशन में पढ़ाते समय हमें बताता है ऐसे स्केल्स होते हैं और जहां पर स्पाइंस जो होते हैं वो बैकवर्ड होते हैं स्पाइंस जो होते हैं बेटा वो फॉरवर्ड नहीं होते हैं बैकवर्ड होते हैं स्पाइंस कहां पर होते हैं बैकवर्ड यस yes, बच्चों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड करेक्ट चले जी अगले क्वेश्चन में आएंगे आइस के बारे में आपको पढ़ना है इसमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बैकवर्डली होते श्रद्धा बेटा इनवर्डली बैकवर्डली बोल सकते हो चलिए जी बताएंगे कॉन्ड्रिकाइज यानी कि किस फिश में क्या वीक जॉ होते हैं लैक जॉज लैक करता है हार्ट टू चैम्बर्ड है मेल में पेल्विक में क्लस्पर्स होते हैं सारे के सारे ओवी ओवीपेर होते हैं चले 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 चलिए बोलेंगे 23 वाले का आंसर बोलेंगे यस बच्चों करेक्ट 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 वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज बी देखो बच्चों इस में से इन पूछा है वीक होते पावरफुल जॉ होते हैं पावरफुल जॉज होते, होते हैं क्योंकि जो होते हैं हैं वो होती है। एक बात ठीक है फिर उसके बाद यहां पर लिखा है मोस्टली पेरस होती है आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी क्लियर हो गया बच्चों ठीक है आगे चलें हा जी बिल्कुल राइट बेटा ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे अब पढ़ेंगे आराम से लंबा क्वेश्चन है पेनक्रियाज इज एबसेंट इन साइक्लोस्टो बट फाउंड इन कॉन्ट्रिकाइड ऑस्टिकाइड्स एंड नेटोमेटा एलिगेटर टोर्स एंड फिश फेरिंजियल फेरेंट्स एटलीस्ट इन द डेवलपमेंटल स्टेज ए क्रेनेटा इंक्लूड जूरोटा एंड सिफेलोकॉडेटा इन लेबियो नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय कार्टिजनस वर्टिब्रल कॉलम थोस तो टोमेटा इज डिवाइडेड टू तो टू सुपर क्लासेस पाइसेस एंड मेमेलिया चले जी फटाफट -फड़ बताएंगे चौबीस का आंसर देंगे बच्चे अब्दुल बासित यस इरफान पूछो बेटा है आप लाइव लेक्चर क्यों नहीं लेते बेटा लाइव ही तो दिख रहा हूं और कैसे दिख रहा हूं ये देखो लाइव हूं लाइव लेक्चर क्या होता है? है आपको क्या चलिए जी फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर गलत आ रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ ध्यान से पूछो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से पूछो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ क्यों इनकरेक्ट आ रहा है लेबियो में बच्चे कार्टलेजिनस वर्टिप्रल कॉलम कैसे हो सकता है तो बोनी फिश है नेथोस्टोमेडा में मेमेलिया कैसे आ सकता है इसका भी कोई लॉजिक नहीं है तो आई होप मेरी बात समझ में आ गया सी कैसे आ गया बच्चे ए आंसर आ रहा है यस बेटा करेक्ट आंसर इज ए देखो ना लेबियो इज अ काइंड ऑफ बोनी फिश तो कार्टलेजिनस एंडस्केलेटन कैसे हो सकता है वर्टिप्रल कॉलम कार्टलेजिनस तो नहीं हो सकता है ना एक क्रेनेटा मतलब जिसमें क्रेनियम नहीं है बच्चे विदाउट क्रेनियम ठीक है सेकेंड का ट्वेंटी टू का ऑप्शन कौन सा बच्चे ट्वेंटी टू का ऑप्शन ट्वेंटी टू क्वेश्चन में क्या है बताओ कौन सा ट्वेंटी टू क्वेश्चन कह रहे हो बताओ कौन सा कह रहे हो बताओ, बताओ 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 कौन से वाला बेटा ट्वेंटी टू को बोल रहे हो ट्वेंटी टू में सारे सही है इसमें देखो ना गिल्स आर विदाउट ओपरक्यूलम तो ये सही है इनकरेक्ट पूछा है यह राइट है ये जो है स्किन ये भी राइट है स्विम कॉन्स्टेंटली ये भी राइट है तो इनकरेक्ट पूछा था ना बेटा इनकरेक्ट तो ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड लिखा है तो बैकवर्ड होगा ए वाले ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चे गिल्स स्लिट्स लिखा हुआ है गिल्स होते हैं बच्चा गिल्स 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 स्लिट्स नहीं है स्लिट्स नहीं है ना गिल्स गिल्स ठीक है चलिए बताएंगे बर्ड्स 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 बर्ड बच्चे वो स्लिट लिखा हुआ है गिल्स होते हैं

बच्चे ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यहां पर बर्ड्स एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड पार्शली ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन बोन तो प्रॉपरली फॉर्मड होती है रेस्पिरेशन ओनली बाय द एयर सैक ये भी रंग गलत है होमियोथर्म होते हैं ये भी गलत है तो बाइपेड्स हो गया ना सबसे बड़ी आंसर डी कैसे हुआ बेटा पार्शली थोड़ा फुल्ली ऑसिफाइड बोन होती है प्रॉपरली बोन बनी होती है बोन मैरो नहीं होता है बोन मैरो नहीं होता है बाइपेड हाँ दो पैर वाले यस बच्चे ठीक है चलिए जी फाइंड दी इनकरेक्ट मैच फाइंड दी इनकरेक्ट मैच ठीक है कोई बात नहीं इनकरेक्ट मैच छब्बीस में इनकरेक्ट मैच करेंगे जल्दी से बच्चों क्रो कॉर्वस पिजन कोलंबिया पैरट सिटाक्यूला पैंगविन जो है पैवो दिया हुआ है तो क्या आंसर होगा छब्बीस का यस पेटा डी पैंगोडाइट होता है एनसीआरटी में लिखा हुआ है जो होता है एप्टेनोडाइट्स होता है यस बेटा करेक्ट बिल्कुल सही बहुत बढ़िया दर्गेनिजम ऑफ क्लास एव्स पोजेस पुअर ऑलफेक्ट्री सिस्टम आई लैक निक्रीटेटिंग membrane, आर partial होम्योथर्म लैक सिरिंक्स Birds जो है उनमें क्या होता है बच्चों ये बताना है क्या olfactory सिस्टम पुअर होता है क्या न्यूट्रीटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है पार्शल होमोथर्म होते हैं सिरिंग्स लैक करता है इसमें क्या सही है लंग्स तो तो, में तो भी होता है ना बेटा श्रद्धा एक्सेसरी होते हैं ना एयर सेक्स तो मेन लंग्स से भी होता है सत्ताईस का आंसर देंगे बेटा 27 से ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन का नो बच्चे आरिफा ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को यस बेटा डॉक्टर प्रिंसी चौरसिया और सना इनका आंसर सही है मोहम्मद इंतकाब का भी आंसर सही है ऑल्फेक्शन की क्या जरूरत है बच्चे <coughs> देखो बर्ड को उड़ना है सूंघना थोड़ा है मैंने आपको सेशन में भी बताया था कि बर्ड के ऑप्टिक लोब ज्यादा डेवलप्ड होते हैं ठीक है यहां लिखा है पुअर ऑल्फेक्ट्री सिस्टम तो ये सही बात है ठीक है और पुअर ऑल्फेक्ट्री सिस्टम उनको सूंघना नहीं है ऑल्फेक्ट्री सिस्टम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना बर्ड्स क्या करेंगे स्मेल करके किसको स्मेल करेंगे कोई पॉइंट ही नहीं है चलिए सिरिंग्स ऑफ बर्ड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग साउंड लाई नियर द जंक्शन ऑफ ट्रेकि एंड ब्रॉकाई बोथ ए एंड बी जल्दी बताएंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट का आंसर देंगे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग साउंड लाई नियर द जंक्शन ऑफ ट्रेकि एंड ब्रॉन्काई बोथ ए एंड बी हां जी बिल्कुल सिरिंग्स की बात करें बच्चे सिरिंग्स क्या होता है आपको याद होना चाहिए व्हाट इज सिरिंग्स सिरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। मैंने आपको बताया था बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को सिरिंग्स कहते हैं। यस yes बच्चों। बोथ एंड हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट वेरी गुड चलिए जी ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे आराम से पढ़ेंगे लंबा है थोड़ा सा ट्वेंटी नाइन्थ का क्वेश्चन आंसर आराम से पढ़ोगे टेक टाइम बर्ड्स ब्लड इज रिचेस्ट इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ आरबीसीड यूरिक एसिड डॉक्टर सलीम अली वॉज अ फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट फीमेल बर्ड प्रोजेस टू ओवरीज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पैवोक्रिस्टिटस इसमें से आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहे बच्चे करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट तो आपको आराम से पता चल जाएगी दिखने से पता चल रही है चलिए जी देखो बेटा यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है फीमेल बर्ड पोजेस टू ओवरीज जबकि हमें पता है कि बर्ड में राइट ओवरी याद रखना बेटा राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट, ये दोनों रूडीमेंट्री होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर रूडीमेंट्री होती है रूडीमेंट्री का मतलब होता है दे आर पोअरली डेवलप दे आर ली डेवलप्ड यह याद रखना बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन ऐसे होता है ठीक है रूडिमेंट्री का मतलब मैल डेवलप्ड लास्ट क्वेश्चन से फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्लास मेमिलिया क्लास मेमिलिया के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है बेटा प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस केलोसम कॉकलिया प्रेजेंट अ वेरी एफिशियंट ऑर्गन फॉर हियरिंग मिड ब्रेन कॉर्पोरा ऑल ऑफ दिस जल्दी बताएंगे कील बच्चे जो स्टर्नम होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है सना उसको बोलते हैं बर्ड्स में स्टर्नम इज रिड्यूस्ड यस मेरे बच्चों करेक्ट आंसर इज डी कॉर्पस कैलोसम भी होता है बैलेंसिंग के लिए कॉर्पोरा क्वाड्रीजामा भी होता है जो कि मिड ब्रेन में होता है जिसमें चार कॉलिकुलाई होते हैं दो सुपीरियर कॉलिकुलाई और दो इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो सुपीरियर होते हैं वो आपके देखने के लिए और इन्फीरियर जो होते हैं वो आपके सुनने के लिए चलिए बच्चे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए जरा फटाफट फड़ मुझे बताओ एनिमल किंगडम हम पढ़ भी चुके हैं और एनिमल किंगडम हमने रिवाइज भी कर दिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और एनहैंस करने में मदद करेंगे और आपका यहाँ रिविजन प्रॉपरली होता रहेगा चलिए बेटा पच्चीस बोल रहे हैं श्रद्धा और श्रद्धा बोल रहे हैं पच्चीस मोहम्मद आरिफ बोल रहे हैं अठारह एटीन ठीक है चलिए कोई बात नहीं जिनके भी क्वेश्चन कम ठीक हुए हैं तो उनको डीमोटिवेट नहीं होना बेटा पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो एन को बार बार पढ़ो और जहां पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर आपको पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करना है उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी चलो बच्चों अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको अगर आपको लगता है कि अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से और स्पेशल क्लासेस के माध्यम से भी पढ़ सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के क्या फ़ायदे हैं बच्चे सब्सक्रिप्शन होती, होती एक बच्चा बोल रहा था लाइव तो ही है इंटरेक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, उसके बाद आपको लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड मिलती हैं ठीक है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टेस्ट सीरीज और एनालिसिस मिलती है बेटा ये सारी चीजें आपको अन अकेडमी प्लस पर मिल जाएंगी एक सब्सक्रिप्शन से आप बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? फिर आपके पास प्लस को लेने का तरीका क्या है प्लस को लेने का तरीका है कि आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अभी एंड्रॉयड फोन से इंस्टॉल कर लेंगे ठीक है बच्चों उसके बाद क्या करेंगे अपने एक आईडी क्रिएट करेंगे प्लस पे चले जाएंगे जब आप प्लस पे चले जाएंगे तो आपको सैसे मल्टीपल कैटेगरीज दिखेंगी जहां पर आप नीट सिलेक्ट कर लेंगे जब आप नीट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का मौका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी मंथ सारी ऑप्शन हैं बच्चों कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं लास्ट दो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हैं लंबे समय तक आपका हमारे साथ जोड़ती हैं जो बच्चे ट्वेल्थ में वो वन ईयर की सब्सक्रिप्शन लें जो टू ईयर में दो साल की तैयारी कर रहे हैं वो ट्वेंटी फोर मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लें अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है तो क्विकली हरियप ले लीजिए जल्दी से क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं ठीक है थीके? ये अलर्ट आ गया अभी नीट के रिजल्ट आते ही प्राइस हाइक हो जाएंगे तो ये आपकी जो है वो फीस है बच्चे वन ईयर टू ईयर की जो कि आपको दस परसेंट डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे जी ए जी ए एन ठीक है इस रेफरल कोड को जरूर याद रखेंगे ये जस्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इस पर मैं अभी आपको पीडीएफ डाल दूंगा आप पहले इसको चेक किया करो सारे बच्चे इसको इस चैनल को ये जो टेलीग्राम आई है इस पर जुड़ जाए बेटा क्योंकि तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं आप कहते रहे तो कहाँ हैं कहाँ हैं इस पर देखा करो आपको मैं हर लेक्चर के दस मिनट पंद्रह मिनट बाद डाल देता हूँ ठीक है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट -फड़ सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करो लाइक और शेयर करो ठीक है पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा तो फिर मिलेंगे कल बच्चे कल जो है अन अकेडमी क्विज डे है तो क्विज़ के साथ मिलेंगे ठीक है तो क्विज कल किसकी है ह्यूमन हेल्थ की मैं पहले से बता देता हूँ कल छः बजे मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए टेक केयर बाय बाय गुड नाइट रात्रि